सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें के आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्लाइस कैसे कर सकते हैं लिस्ट को, या फिर उसमें कैसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं हम लिस्ट में। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे उसी के आगे कि हम कैसे किसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से। ओके सो सबसे पहले हम डेल कीवर्ड का यूज करके देखते हैं कि डेल कीवर्ड से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को या आइटम्स को। ओके सो डेल कीवर्ड से हम सिंगल आइटम, मल्टीपल आइटम और इवन पूरी लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ डेल कीवर्ड का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होगा डेल, उसके बाद किस लिस्ट से हमें रिमूव करना है उस लिस्ट का नाम। ओके और फिर अगर हम सिंगल आइटम रिमूव कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में उस मतलब एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू पास करनी होगी। सो जैसे कि अगर हम यहाँ पे गुआवा रिमूव करना चाहते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट से, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2। ओके सो हम यहाँ पे 2 पास कर देंगे और फिर हम प्रिंट कराएंगे अपनी जो मॉडिफाइड लिस्ट है वो डिलीट होने के बाद जो हमारी लिस्ट मिलेगी उसको। ओके सो इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ से गुआवा रिमूव हो गया हमारी जो लिस्ट थी उसमें से। ओके पहले 5 एलिमेंट्स थे, उसके बाद 4 ही एलिमेंट्स बचे हैं। इसी तरह से अगर हमें सिंगल आइटम की जगह मल्टीपल आइटम रिमूव करना होगा तो हम रेंज ऑफ इंडेक्स पास करेंगे। ओके स्लाइस ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि है कोलोन। सो अगर हमें स्टार्टिंग से रिमूव करना है गुआवा तक, मतलब अगर हम यहाँ पे 3, यहाँ पे हमको 3 लिखना पड़ेगा अगर हम रेंज पास करते हैं, रेंज ऑफ इंडेक्स पास करते हैं तो वो एन माइनस 1 तक ही लेता है। ओके सो अगर हम स्टार्टिंग से रिमूव करना चाहते हैं गुआवा को तो यहाँ पे हमें 3 पास करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 2 होगा। सो यहाँ 0, 1 और 2 ये तीन जो वैल्यू हैं, आइटम वैल्यू हैं, वो रिमूव हो जाएगी। सो इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ग्रेप्स और मैंगो बचा, स्टार्टिंग से जो तीन वैल्यू थी एप्पल, बनाना और गुआवा वो रिमूव हो गया है। ओके इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो अब देखिएगा रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, गुआवा हमें मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ एप्पल और बनाना रिमूव हुआ है। ओके सो ये ध्यान रखिएगा जब भी रेंज ऑफ इंडेक्स हम यूज करते हैं, स्लाइस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जो सेकेंड वाला जो इंडेक्स वैल्यू रहता है उसका एन माइनस 1 तक ही डिलीट करेगा या स्लाइस करेगा या कहीं भी आप यूज कर रहे हो। ओके सो ये तो हुआ सिंगल एलिमेंट के लिए और मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए। ओके अगर हमें पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी होगी तो सिर्फ हमें सिर्फ डेल कीवर्ड का यूज करना है और फिर हमें लिस्ट का नाम पास कर देना है। तो यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं इसको जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट था, सो इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एरर मिल गया कि लिस्ट ऑफ फ्रूट नेम का कोई चीज है ही नहीं। ओके नेम लिस्ट फ्रूट्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि हमारा जो कोड है उसमें से लिस्ट ऑफ फ्रूट्स जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था और उसमें एक लिस्ट स्टोर कराई थी तो वो हमारा रिमूव हो गया है। ओके सो इसके बाद देखते हैं रिमूव, पॉप और क्लियर मेथड का यूज करके कि हम डिलीट और रिमूव कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ओके ये जो सेकेंड लिस्ट है इसका ज्यादा हम लोग यूज कर नहीं रहे तो इसको हम रिमूव ही कर देते हैं। ओके सो यूजिंग रिमूव मेथड, तो रिमूव मेथड का हम यूज कैसे करेंगे, रिमूव मेथड पैरामीटर में जो वैल्यू को हमें रिमूव करना है वो लेगा। ओके सो जिस लिस्ट से हमें रिमूव करना है उस लिस्ट का नाम डॉट रिमूव। ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रिमूव और उसके बाद जिस भी एलिमेंट को हमें रिमूव करना है वो। सो हम रिमूव करते हैं ग्रेप्स को। ओके देन यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम मॉडिफाइड लिस्ट को अपनी लिस्ट और फिर फ्रूट्स। ओके और उसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा जो ग्रेप्स था लिस्ट में से वो रिमूव हो गया है। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं पॉप मेथड, तो पॉप मेथड में क्या होगा कि हम जैसे रिमूव मेथड में एलिमेंट का नेम पास कर रहे थे एज अ पैरामीटर, पॉप मेथड में अगर हम कोई इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं तो वो उस इंडेक्स वैल्यू का जो भी पैरामीटर होगा, सॉरी जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। और अगर हम खाली छोड़ देते हैं पैरामीटर, मतलब सिर्फ ब्रेसेस लगाते हैं और उसमें कुछ भी पैरामीटर में कुछ भी इंडेक्स वैल्यू कुछ भी नहीं पास करते हैं, तो वो लास्ट का जो भी एलिमेंट रहेगा ना उसको रिमूव कर देगा। ओके सो इसको करके देखते हैं एक बारी। सो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डॉट पॉप, ओके एंड देन प्रिंट लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ओके सो सेव करके इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट से जो एलिमेंट था मैंगो वो रिमूव हो गया है क्योंकि हमने पॉप मेथड में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। और अगर उसकी जगह हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, सो उसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो 2 पे यहाँ पे वैल्यू क्या थी, गुआवा, तो फिर वो गुआवा रिमूव हो गया नेक्स्ट लिस्ट में। आप देख सकते हो एप्पल, बनाना और मैंगो आया है, सेकेंड वैल्यू की जो इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया है।
सो पॉप मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो ये लिस्ट को एज अ स्टैक इंप्लीमेंट करने में हमें हेल्प करता है। ओके जैसे स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके उसी तरह से अगर हम पॉप मेथड बिना इंडेक्स वैल्यू के यूज करेंगे तो ये लास्ट से जो एलिमेंट होगा ना उसको पॉप कर देगा। ओके सो लास्ट मेथड है क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें लिस्ट को पूरी तरह से क्लियर करनी होती है, मतलब लिस्ट को हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को बस हम क्लियर कर दे रहे हैं। ओके सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डॉट क्लियर, और कुछ भी पैरामीटर में पास नहीं करना है। और फिर प्रिंट कराते हैं हम अपने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, सेव एंड देन रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होके आ गई है, मतलब हमारे लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ओके सो लिस्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या देखेंगे कि हम कैसे लिस्ट कीवर्ड का यूज करके किसी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पहले लिस्ट कंस्ट्रक्टर करके ही वेरिएबल क्रिएट करते हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो उसके बाद हम लिखेंगे लिस्ट कीवर्ड, और ये एक ही आर्गुमेंट लेता है। ओके सो जो भी हमें एलिमेंट्स रखने हैं लिस्ट में अपनी, उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में पास करेंगे। ओके कॉमा सेपरेट करेंगे। सो नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं, सो कुछ भी पास कर देते हैं। ओके स्मॉल ब्रैकेट में कुछ भी रैंडम नंबर पास कर देते हैं, 134, 245, 67, 45 तो हो चुका है, 49 कर देते हैं। ओके और फिर प्रिंट कराएंगे हमारे जो लिस्ट है उसको। सो पास कर देते हैं जो हमने वेरिएबल बनाया था लिस्ट कंस्ट्रक्टर करके। ओके और उसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट होके मिल गया हमें, क्योंकि अब ये लिस्ट बन गई है। ओके जो जो भी हमने पैरामीटर में पास किया था, जो भी एलिमेंट्स स्मॉल ब्रैकेट में, वो सारे अब एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर दें इसमें, जैसे कि कुछ भी ऐड कर देते हैं, मूवीज के नेम रखते हैं, कार्टून मूवी जैसे टॉय स्टोरी हो गया या फिर फाइंडिंग नीमू। ओके वाइंडिंग हो गया, ये तो एफ लगा देते हैं आगे, फाइंडिंग नीमू, उसको सेव करके रन करते हैं। सब देख सकते हो टॉय स्टोरी फाइंडिंग नीमू भी ऐड हो गया हमारे लिस्ट में। सो अभी के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे लिस्ट के मेथड्स। ओके हमने कुछ मेथड्स देख लिए हैं, जैसे इंसर्ट करने के, ऐड करने के एलिमेंट्स, रिमूव करने के एलिमेंट्स। ओके सो इसके आगे हम और भी मेथड्स देखेंगे, जैसे सॉर्टिंग हो गया, रिवर्सिंग हो गया, रिवर्सिंग लिस्ट, उस सबके भी मेथड होते हैं। ओके सो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। बाय।